सभी का स्वागत है। और देखिए आप सभी के सामने मैंने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो मार्केट में आज काफी बड़ा गैप देखने को मिला। और इसके ऊपर देखिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही बोला था कि मार्केट में एक गैप देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन नीचे की साइड आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी बाइंग करने की। और उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट देखिए इस जगह दो बार देखिए आपका क्या लेते हुए दिखाई दे रहा था, आपका देखिए इस जगह सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। और मैंने आपसे यही बोला था कि मार्केट देखिए जब भी इस जगह देखिए 39,600 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है इसमें देखिए एक बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। और मार्केट ने देखिए कहीं ना कहीं जो नीचे की साइड लो मारा था आज के दिन अगर हम बात करें तो 39,250 के समथिंग मारा था, लेकिन देखिए नीचे का काफी अच्छा सपोर्ट था, हमको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे की साइड मिल सकती थी क्योंकि देखिए FIS भी यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। FIS और DIS का डेटा जब मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड आपको अपॉर्चुनिटी सीई बाइंग करने की है, लेकिन ऊपर की साइड अपॉर्चुनिटी पीई बाइंग करने की है, और वही डेटा देखिए इस जगह काम करते हुए दिखाई दिया। अब देखिए इसमें भी अगर हम बात करें तो मार्केट आज का देखिए कहीं ना कहीं साइडवेज भी था, अगर हम इसको माने तो नीचे की साइड आपका देखिए 39,250 और ऊपर की साइड अगर हम माने इस जगह तो 39,550, यानी अगर हम इसमें रेंज आपको दिखाना चाहें तो कहीं ना कहीं 300 पॉइंटों की रेंज थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस जगह देखिए जो रेंज आपकी बनते हुए दिखाई दी थी ना, तो उसी तरीके की आपको रेंज इस जगह भी बनते हुए दिखाई दे रही। और मार्केट देखिए ट्रेडर के सबसे अच्छी बात यही होती है कि मार्केट में ट्रेडर को एक रेंज चाहिए होती है। सवाल आता है कि कल के दिन कहाँ पे बाइंग या कहाँ पे सेलिंग करने है। और देखिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी अपडेट होते हैं वो आपको इस जगह पब्लिश किए जाते हैं। देखिए आप साफ सभी के सामने इस जगह वन डे का चार्ट ओपन किया। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग तरीके से इस जगह सिखाने की कोशिश करें, आपको बताने की कोशिश करें। अब देखिए सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो आज के दिन देखिए किन बैंकों ने इस जगह सपोर्ट किया है, अगर मैं इस जगह बात करूं तो देखिए बड़ी बैंक तो आपको देखिए कहीं ना कहीं साइड वेट देखने को दिखाई दी थी, लेकिन जो छोटी बैंकें हैं उस जगह देखिए काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब देखिए बड़ी अगर बैंक इस जगह तेजी दिखाएंगी ना, जब भी हमको कहीं ना कहीं एक तेजी देखने को मिल सकती है। अब देखिए मार्केट में इस जगह अगर आप बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आपको मूविंग एयरवेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ये आपका मूविंग एयरवेज का सपोर्ट है। अगर मार्केट आपका फिर से नीचे की साइड ओपन होता है तो जो आपका नीचे की साइड लेवल है जो काफ़ी अच्छा बाइंग करने का सपोर्ट है, जो कि 39,000 के समथिंग अगर आपको इस लेवल के आसपास मिलता है नीचे की साइड, अगर हम इसमें साइकोलॉजी लेवल और लगाते हैं तो इस जगह 39,000 के समथिंग हम इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं, सीई बाइंग करके चल सकते हैं। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो इस लेवल के आसपास हम इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं, सीई बाइंग करके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए एक सपोर्ट तो इसने इस जगह ब्रेक किया, दूसरा सपोर्ट अगर आप देखोगे तो इस जगह ब्रेक किया, लेकिन अब लास्ट सपोर्ट देखिए जो आपका लेते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में आप सभी को पता होगा कि एक साइकोलॉजी लेवल भी है जो कि नीचे की साइड आपको दिखाई दे रहा है। और मार्केट में देखिए जो OI का डेटा दिखाई दे रहा है उसमें भी अगर आप देखो तो ये आपका एक साइकोलॉजी लेवल है, यानी अगर 39,000 के समथिंग मिलता है तो हम बिल्कुल सीई बाइंग करेंगे। और फिर देखिए हमारा जो टारगेट इस जगह देखने को मिलेगा वो पहला टारगेट 39,100 का देखने को मिलेगा, दूसरे टारगेट की बात करें तो 39,250 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 39,360 का देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर मार्केट आपको नीचे के लेवल पे मिलता है तो। देखिए ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप देखिए इस जगह ऑप्शन चेन का डेटा आप देखोगे तो ऑप्शन चेन का डेटा आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो देखिए ऑप्शन चेन के डेटा पे 39,000 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह मैं लिखना चाहूंगा 39,000 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ये एक अच्छा खासा देखिए सपोर्ट है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो 24,00,000 के समथिंग का क्या दिखाई दे रहा है, 24,00,000 के समथिंग का OI का डेटा दिखाई दे रहा है। और उसी बारे में अगर हम बात करें ऊपर का रेजिस्टेंस था तो 39,000 देखिए यहां पे लिखना चाहूंगा 39,500 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, उस जगह अगर आप देखोगे तो 30,000-32,000 के समथिंग 30,000-32,00,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी इसमें अगर हम बात करें तो 500 पॉइंटों की आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे जाती है, 500 पॉइंटों की आपको रेंज दिखाई देती है। ऊपर की साइड आपको बिल्कुल सीई बाइंग करना है, नीचे की साइड अगर मिलता है इस लेवल के आसपास सीई बाइंग करना है, ठीक है। और ऊपर की साइड आपको क्या बाइंग करना है, ऊपर की साइड आपको पीई बाइंग करना है। अगर मार्केट नीचे फिर से ओपन होता है तो बिल्कुल आपको इस जगह सीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी
वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और आप सभी को धन्यवाद मैं बोलना चाहूंगा कि जितना भी मैं लाइक का टारगेट आप सभी को बताता हूं आप उसको पूरा करते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आज का भी लाइक का टारगेट आप इस जगह पूरा करोगे। मैंने आप सभी के सामने इस जगह 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि हमने देखिए ऑप्शन चेन के डेटा में देखा था कि मार्केट में ऊपर की साइड आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ज्यादातर एक्सपायरी बड़े मूव के लिए इस जगह जानी जाती है। अगर देखिए मार्केट आपको ऊपर के लेवल पे अगर मिलता है, जैसे कि अगर मैं इस जगह लेवल आपको बताना चाहूँ 39,800 के लेवल पे अगर मिलता है तो इस लेवल पे हम कहीं ना कहीं पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट अगर आप ऊपर की साइड आएगा वो तो कहीं ना कहीं देखिए जो लोग ऊपर की साइड सीई बाइंग करना चाहते हैं उनको ट्रैप करेगा, ठीक है, यानी उनको फंसाने की कोशिश करेगा, उनको लॉस कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको फंसना नहीं है ऊपर के लेवल पर, आपको इस लेवल पर फंसना नहीं है। हम कहीं ना कहीं इस जगह अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कहीं ना कहीं पीई बाइंग करने के लिए। क्योंकि देखिए आप सभी को बताएं कि जो आपका इस जगह सपोर्ट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। और आज के दिन मार्केट ने क्या हुआ था कि इसी वाले सपोर्ट को ब्रेक किया था और नीचे की साइड सेलिंग दिया था। कितने पॉइंटों का सेलिंग दिया था, अगर आप ऊपर के लेवल से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो सेलिंग देखने को मिला था वो इस जगह देखिए 500 से लेके आपको 600 पॉइंटों की सेलिंग देखने को मिली थी। अब देखिए जितने लोगों ने इस जगह पीई बाइंग किया होगा यानी अपने इस लेवल पर पीई बाइंग किया होगा तो उनको तो देखिए यहाँ तक प्रॉफिट मिला है नीचे के लेवल तक, लेकिन अब प्रॉफिट कहाँ पर मिलेगा, इस लेवल पे। यानी अगर ऊपर के लेवल पे आता है तो बिल्कुल हम ऊपर के लेवल पे पिकी बाइंग करके चल सकते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कैसे बाइंग करना है। मानिए मार्केट जो ऊपर ओपन हुआ इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर नीचे की साइड आएगा, यानी जो इसका लो है उस लो के नीचे आ जाएगा। तो हम किस लेवल पे बाइंग करके चल सकते हैं, 39,800 पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। बस कंडीशन इसमें इतना सा है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमारा जो देखिए ऊपर की साइड टारगेट हो सकता है अगर हम इस लेवल पे देखिए सेलिंग करते हैं, इस जगह मैं टारगेट आपको बताता हूं। सबसे पहला जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 39,700 का देखने को मिलेगा, 39,000 उस जगह देखिए 550 और लास्ट टारगेट आपका होगा 39,400 के समथिंग का। यानी देखिए हमारा इस जगह रिस्क कम हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, रिस्क कम किया। ज़्यादातर देखिए ऊपर के लेवल पे हमने सेलिंग किया, मार्केट में हो भी क्या रहा है, अगर आप पीछे देखोगे तो देखिए नीचे के लेवल पे आपको सीई बाइंग करने का मौका मिलता है, ठीक है, लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको पीकी बाइंग करने का मौका मिलता है। जो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सीई बाइंग करने का मौका मिला, लेकिन बिल्कुल अगर आप उसी लेवल से मैच करके देखोगे तो ऊपर के लेवल पे आपको पीकी बाइंग करने का मौका मिल रहा है। आज के दिन भी वही पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया, नीचे के लेवल पे आपको सीई बाइंग करने का मौका मिला और लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको पीई बाइंग करने का मौका मिला। जो लेवल होते हैं अगर आप लेवल टू लेवल काम करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो काफी छोटा होता है जिससे आपको लॉस कम होने के चांस हो। मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता भी है क्योंकि देखिए एक्सपायरी या कहीं ना कहीं प्रीमियम इस जगह डाउन होते हैं एक्सपायरी वाले दिन और मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज भी रह सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट साइडवेज होता है तो हम देखिए उसको कैसे ट्रेड करते हैं। आप देखो तो नीचे की साइड ये लेवल है कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था, ऊपर की साइड आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू कर क्या रहा है, कंटिन्यू कर रहा है कि जी हाँ भाई ऊपर के लेवल से सेलिंग दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन कल की जो रेंज थी वो रेंज आपकी बड़ी थी, ठीक है। आज की जो रेंज आपको दिखाई दे रही है ये छोटी है। छोटी क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका गैप इसमें आपका ऐड हो चुका है, जो आपको गैप देखने को मिला था ना इस जगह, मैं लिखना चाहूँगा इसको 39,500 से लेके जो नीचे की साइड आपको जो गैप देखने को मिला था कितने पॉइंटों का, इस जगह मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा ये 39,600 से लेके आपका 39,500 तक का, ठीक है, यानी 100-150 पॉइंटों का आपका जो गैप था। अब इस जगह हम क्या करेंगे कि देखिए इस जगह आपका ये सपोर्ट लिया, फिर आपका देखिए इस जगह सपोर्ट लिया, अगर ये मार्केट इस जगह थोड़ा कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे की साइड जाता है, यानी इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है, अपने लो को ब्रेक करता है, तो हम इस जगह भी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन हमारा इतना सा रहेगा कि 39,400 के नीचे मार्केट को जाना चाहिए, यानी अगर हम बात करें तो 39,400 के नीचे जाता है, यानी जो आपका देखिए कैंडल है ना ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग नीचे की साइड देना चाहिए, यानी जो आपका कैंडल बनेगा वो कैसा कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनेगा। कैसा कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनेगा और नीचे की साइड आपका मार्केट रिजेक्ट क्लोजिंग देना चाहिए अपने लो के नीचे, ठीक है। फिर देखिए हमारा टारगेट क्या होगा। अब देखिए इसमें बाइंग क्या करना है, जब भी मैं आपको बताता हूँ पीई बाइंग करना है, ठीक है, इसके नीचे जाता है तो पीई बाइंग करना है। टारगेट क्या होगा, तो सबसे पहले टारगेट की बात करते हैं, 39,300 का पहला टारगेट होगा,
39,200 का दूसरा होगा और एक साइकोलॉजी लेवल का भी टारगेट होगा जो कि 39,000 का आपको देखने को मिलेगा। अब मार्केट में अगर आप देखो तो ऊपर के लेवल से आपको 400 पॉइंटों के इस जगह मूव देखने को मिल सकते हैं। आज का लाइक का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।